दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10 जून को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा था, तो यहाँ पर एक न्यूज निकल के आई है कि यहाँ पर जो अब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को इंडिया में लॉन्च नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ इसको बैन करने के लिए भी अपील की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो इसी के टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर जो है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को जो इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं करा जा रहा है और इसको जो बैन करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहना, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उससे बैच कर लेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को बैन करने के लिए कौन कह रहा है। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को बैन करने के लिए कांग्रेस के एमएलए ने एक अपील की है, जो कि एक लेटर के थ्रू की गई है, कि एक लेटर लिखा है उन्होंने पीएम यानी कि मोदी जी को एक लेटर लिखा उन्होंने कांग्रेस के एमएलए ने। तो उस लेटर में लिखा गया कि आखिर जो हमारे इंडिया में जो पबजी मोबाइल था उसको जो बैन क्यों किया गया था। उसको बैन किया गया था कि आखिर जो उसकी जो कंपनी थी वो एक चाइना कंपनी थी, तो चाइना कंपनी से जो हमारे इंडिया का जो डाटा लीक हो रहा था, यानी कि हमारे जो चाइना के जो कंपनी थी तो वो जो हमारे इंडिया का डाटा लीक कर रही थी उस गेम के थ्रू। तो आखिर जो यहाँ पर जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनको इस बात का शक लग रहा है कि आखिर जो ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है ये जो है कहीं ना कहीं जो चाइना की कंपनी से ही जुड़ा हुआ है। आखिर जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिर जो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो चाइना की कंपनी से जो ये जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये क्राफ्टन कंपनी एक अलग कंपनी है जो कि चाइना की कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर जो क्राफ्टन कंपनी ने साफ साफ बोला था इसको लॉन्च करने से पहले, यानी कि डेट कन्फर्म करने से पहले साफ साफ बोला था क्राफ्टन कंपनी ने कि आखिर जो जब हम जो इस मोबाइल यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लॉन्च करने से पहले जो हम इसकी सारी सिक्योरिटी और सारे जो जितने भी नियम है इसमें हम जो उनको ध्यान में रखते हुए तभी हम इसको जो लॉन्च करेंगे। और आखिर जो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आ रही थी सामने कि यहाँ पर क्राफ्टन कंपनी ने यहाँ पर जो सिक्योरिटी का भी कानून ने ध्यान रखा था इसमें साथ ही, और इसमें और भी कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस एमएलए निनोंग इरी ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, उस लेटर में लिखा है कि गेम को डेवलपर क्राफ्टन पबजी को नए अवतार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के रूप में जो इसको भारत में लॉन्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि आखिर जो ये कांग्रेस के जो एमएलए इन्हें निनोंग इरिंग है, तो इनको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये जो कंपनी है क्राफ्टन कंपनी, ये कहीं ना कहीं जो चाइना से जुड़ी हुई है, और जुड़ी होने के साथ साथ जो इसका जो हमारे जो इंडिया का डाटा है या हमारे यूजर्स का या हमारे इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं जो इस गेम को खेलेंगे, तो यहाँ पर जो उनका डाटा लीक होने की संभावना हो सकती है। तो गाइस, अभी तक तो यही न्यूज़ निकल के आई है कि अब देखते हैं कि आखिर जो इसमें आगे क्या न्यूज़ देखने के लिए हमें मिलती है कि आखिर जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं होगा या इसको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। तो आगे जो न्यूज़ आएगी वो मैं आपको वीडियो के थ्रू ही बता दूंगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के लेकर न्यूज़ फैल रही है, तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय।